नमस्कार दोस्तों, महर्षि साइंस कैंपस अरेना की बायोलॉजी क्लास के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। अब तक हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और पिछले 2 लेक्चरों में मैंने अलैंगिक जनन के बारे में बात की थी। आज हम पार्ट 3 चालू कर रहे हैं जिसमें हमें लैंगिक जनन के बारे में बात करनी है। सबसे पहले देखें बेटा, लैंगिक जनन क्या होता है, किस तरह होता है। लैंगिक जनन के बारे में वैसे आप जानते होंगे, बहुत ईजी चीज़ है। ऐसा जनन जिसमें कम से कम 2 जना भाग लेते हैं, नर और मादा, क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। इसके अंदर 2 तरह के युग्मक बनते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। फिर उन दोनों युग्मकों का संयोजन होता है जिससे युग्मनस बनता है। उसके बाद में आगे जाकर के भ्रूण और उससे आगे संतान उत्पन्न होती है। तो इसके बारे में तो हमें ज़्यादा बात नहीं करनी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आवृत बीजी पादपों में जनन की। इसके अंदर बात कर रहे हैं आवृत बीजी पादपों में लैंगिक जनन की हम बात करने वाले हैं। तो आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन का जो अंग होता है वो बेटा पुष्प होता है। कौन सा होता है? पुष्प। मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले बताया था कि एंजियोस्पर्म की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसके अंदर फूल आते हैं, और फूल होने का क्या महत्व है, क्योंकि फूल इसके लैंगिक जननांग होते हैं जिनके अंदर इनके युग्मक बनते हैं, बीजाणु स्पोर वगैरह बनते हैं, अंडाणु और पराटम बनते हैं। तो पुष्प की संरचना हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो पुष्प की संरचना सबसे पहले आप पढ़ते हैं कि पुष्प क्या होता है, कैसा होता है। तो टॉपिक है पुष्प की संरचना। पहले मैं आपके लिए संरचना एक बार ऐसे समझा देता हूँ, फिर एक बार डायग्राम से बताऊंगा, अच्छी समझ में आएगी। देखो, पुष्प के अंदर सबसे पहला भाग होता है बेटा पुष्प का पुष्पग्रंथ। कौन सा भाग होता है? पुष्पग्रंथ, पेडिसल। इसके अंदर देखो बेटा, कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। जैसे पुष्पग्रंथ जो होता है व्रंथनुमा भाग होता है। कैसा भाग होता है? व्रंथनुमा भाग होता है जो फूल को शाखा से जोड़ता है। इतनी बात क्लियर, व्रंथनुमा भाग है जो फूल को शाखा से जोड़ता है। दूसरा भाग होता है पुष्पासन, इसे हम कहते हैं थैलेमस। पुष्पासन क्या होता है बेटा? ये पुष्प ग्रंथ का चौड़ा भाग होता है। कैसा भाग होता है? पुष्प ग्रंथ का चौड़ा भाग क्या कहलाता है? पुष्पासन कहलाता है। इसके नाम से भी पता चल रहा है, पुष्प प्लस आसन, पुष्प का आसन जिसपे फूल स्थित रहता है। पुष्प के सभी जो मुख्य अंग हैं वो इस पे स्थित रहते हैं। ये तो हो गए फूल के सामान्य भाग। इसके अलावा मैं आपके लिए बता देता हूँ, अब हम बात करेंगे पुष्प के मुख्य भागों की। और पुष्प के जो मुख्य भाग होते हैं वो 4 चक्रों के रूप में होते हैं। किसके रूप में? 4 चक्रों के रूप में। ये 4 चक्र कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहला जो चक्र है वो है बाह्य दल पुंज। दूसरा है दल पुंज। फिर आता है उमंग, और फिर आता है जाया। तो इस प्रकार से क्रम से आपके पुष्प के 4 चक्र होते हैं। सबसे बाहर बाह्य दल, उसके अंदर दल पुंज, फिर उसके अंदर उमंग, और सबसे अंदर की तरफ होता है जाया। तो इस तरह से हमें पुष्प के 4 भागों के बारे में पढ़ना है। एक छोटी सी बात आप समझ लें, जिस फूल के अंदर ये 4 भाग उपस्थित होते हैं, जिस फूल के अंदर 4 चक्र उपस्थित होते हैं वो पूर्ण पुष्प होता है। कैसा पुष्प होता है? पूर्ण, जिसके अंदर ये 4 भाग उपस्थित होते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, सरसों, मटर, गुड़हल, ये कैसे फूल है बेटा? पूर्ण पुष्प है, इनके अंदर ये 4 भाग होते हैं। दूसरा, कोई चक्र अनुपस्थित हो तो वो अपूर्ण पुष्प हो जाएगा। कैसा पुष्प हो जाएगा? अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प के एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं लौकी, पपीता, ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं। यहाँ से पेपर में एग्जांपल पूछे जा सकते हैं कि पूर्ण पुष्प के 2 एग्जांपल लिखिए। इस तरह से आप इनके एग्जांपल याद रखें। अब हम बात करते हैं बेटा इन 4 चक्रों के बारे में। देखें, सबसे पहला चक्र है बाह्य दल पुंज।
इसे हम कहते हैं कैलिक्स। ध्यान से समझे, इसके अंदर क्या क्या चीज पॉइंट याद रखने हैं आपको। पहला, सबसे बाहरी चक्र है। ऐसा चक्र है, सबसे बाहरी चक्र है, सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है। हरे रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? हरे रंग का। दूसरी बात, इसका एक सदस्य है बाह्य दल कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य दल, या सेपल कहते हैं इसको। ये बात आपको याद रखनी है। और इसका जो काम होता है वो सुरक्षा करने का होता है, पुष्प की सुरक्षा करता है। इसे ऐसे लिख सकता हूं मैं, पुष्प की सुरक्षा। इसी तरह से हम बात करें अगले चक्र की, अगला चक्र होता है दलपुंज। इसे कहते हैं कोरोला, ठीक है। इसके अंदर आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? पहली बात है, ये दूसरा चक्र है। कौन सा चक्र है? दूसरा चक्र है। इसका जो रंग होता है ये सामान्यतः रंगीन होते हैं, किसी भी रंग में हो सकते हैं। फूल के अनुसार डिसाइड होगा किस रंग का है फूल, जैसे गुलाब में गुलाबी रंग के। इसके बाद में इसका जो एक सदस्य होता है, इसके एक सदस्य को हम कहते हैं दल या पेटल, हिंदी में इसको हम पंखुड़ी भी कहते हैं। पंखुड़ी रंगीन होती है। इसका काम होता है सुगंध मकरंद श्रावित करना। और कीटों को आकर्षित करना, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना। अगर बेटा देखे नहीं तो आप बता देना। इसके बाद में अगले दो चक्र बचते हैं, जिनकी बात हम अगले आगे आगे करेंगे। तो बेटा यहां तक की बात आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, एक बार दोबारा सुने। पुष्प की संरचना में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, पुष्प ग्रंथ और पुष्पासन। पुष्प ग्रंथ एक ग्रंथनुमा भाग होता है और पुष्पासन पुष्प ग्रंथ का ही एक चौड़ा भाग होता है जिस पर फूल विद्यमान रहता है। मुख्य भाग होते हैं चार चक्रों के रूप में, जिन्हें हम बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग और चायांग कहते हैं। अगर ये चारों चक्र किसी फूल के अंदर उपस्थित हैं तो वो पूर्ण पुष्प होगा। अगर कोई सा भी एक चक्र उपस्थित नहीं है तो वो अपूर्ण पुष्प होगा। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, सरसों मटर गुड़हल पूर्ण है और लौकी और बबीता अपूर्ण है। दूसरी बात, प्रत्येक चक्र के बारे में हम देखें तो पहला चक्र है बाह्य दलपुंज, इसको हम कैलिक्स कहते हैं। सबसे बाहरी चक्र होता है, हरे रंग का होता है। एक सदस्य इसका बाह्य दल कहलाता है, इसको हम सेपल कहते हैं। इसका काम होता है पुष्प की सुरक्षा करना। दूसरा होता है दलपुंज, दलपुंज को हम कोरोला कहते हैं। इसका जो होता है फूल का दूसरा चक्र होता है। इसकी पंखुड़ियाँ कैसी होती है? रंगीन होती हैं। एक सदस्य को हम दल या पंखुड़ी कहते हैं। इसका काम सुगंध या मकरंद श्रावित करना होता है और ये कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है। इसके बाद में बेटा दो चक्र और रह गए हैं, पुमंग और डायंग, इनकी और बात कर लेते हैं। देखें पुमंग और डायंग क्या होते हैं। ये टॉपिक आप 11th क्लास के पुष्प वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे। देखें अगला जो चक्र है तीसरे नंबर का, वो है उमंग। इसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है? देखो सबसे पहली बात, ये पुष्प का नर जननांग होता है। कौन सा जननांग होता है? नर जननांग होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। दूसरी बात, इसके एक सदस्य को पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर को इंग्लिश में कहते हैं स्टैमेन, ध्यान रखें। इसके बाद में अगली बात आती है कि पुमंग एक नर जननांग है, तो अगर हम पुंकेसर को बांट कर देखें तो एक पुंकेसर के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन। पहला, यहां से बात करें हम परागकोष,
इसे हम कहते हैं पोलन सैक। दूसरा होता है उतंतु, इसे हम कहते हैं पोलन फाइबर। और तीसरा होता है, तीसरा इसके अंदर क्या होगा, योजी, जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इनके बारे में हम अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे, क्योंकि पूरा जो अगला चैप्टर है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरह से। पराकोष, मुखीय शरीर की संरचना के बारे में उसमें हमें पढ़ना है। अगली बात हम करें कि पराकोष के अंदर क्या बनेंगे, पराकण बनते हैं। इसके पराकोष में पराग कण निर्मित होते हैं, यहां तक की बात क्लियर। इसके बाद में चौथे नंबर का चक्र आता है जायांग। जायांग को हम कहते हैं गाइनोसियम। जायांग क्या होता है देखो बेटा, पौधे का मादा जननांग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके बारे में क्या चीज जाननी है, इसका एक सदस्य अंडक कहलाता है। क्या कहलाता है, अंडक। इसके एक सदस्य को हम क्या कहते हैं, अंडक कहते हैं। अंडक या स्त्री केशर भी इसको हम कह सकते हैं। अब जैसे हमने इसके तीन भाग पढ़े थे, वैसे इसके भी तीन भाग होते हैं। स्त्री केशर के देखो बेटा तीन भाग कौन कौन से होते हैं। स्त्री केशर में पहला भाग होता है आपका वर्तिकाग्र। कौन सा, वर्तिकाग्र। दूसरा होता है वर्तिका। तीसरा होता है अंडाशय। ये तीन भाग हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। अंडाशय के अंदर इसकी अंडकोशिका बनती है जो निषेचन के अंदर काम आती है। फिर इसके बाद में साहब नॉर्मल बात, यहाँ तक की बात क्लियर है। ये हमने पुष्प के भाग पढ़ लिए हैं। अब इन भागों को पढ़ने के बाद में छोटी सी बात और रह जाती है इसकी, वो बात क्या है। देखो आपने चार चक्र पढ़े हैं इसके, बायदल कुंज, दल कुंज, जायांग और कुमंग। इनमें से आपने देखा कि जनन में तो कुमंग और जायांग भाग ले रहे हैं, तो इनको हम कह देते हैं जननशील चक्र। ध्यान से देखें, एक और लाइन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, कुमंग एवं जायांग ये दोनों क्या कहलाते हैं, जनन सील चक्र। क्यों, क्योंकि ये जनन में सीधे सीधे ही भाग लेते हैं। जनन सील चक्र को हम आवश्यक चक्र भी कहते हैं, आवश्यक चक्र। ठीक है, फिर बचे कौन से, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ये बेटा सीधे सीधे जनन में सहायता नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से कीटों को आकर्षित करके जनन में सहायता करते हैं, तो इसीलिए हम इनको सहायक चक्र कह देते हैं। क्या कहते हैं, सहायक चक्र कहते हैं इनको हम। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है कि सहायक चक्र कौन से होते हैं और आवश्यक चक्र कौन से होते हैं। तो जायांग और कुमंग दो आवश्यक है जननशील चक्र हैं, और बचे आपके दो बाह्य दलपुंज या दलपुंज, ये आपके सहायक चक्र होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक की बात हम पूर्व की सारी जानकारी हम पढ़ चुके हैं, अब इसी चीज को हम देखेंगे डायग्राम की सहायता से। देखें यहाँ तक की बात आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, जो जो चीजें आपने अभी पढ़ी हैं उनको हम डायग्राम में देखेंगे कौन सी चीज कहां पर होती है। देखें छोटा सा डायग्राम रह गया इसका बस, इसके बाद में चैप्टर फिनिश। डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये मान लो कोई शाखा है पौधे की, इस शाखा से ये ग्रंथनुमा संरचना लगी हुई है। इस ग्रंथनुमा संरचना को क्या कहेंगे, पुष्प ग्रंथ। तो ये बना दिया साहब हमने पुष्प ग्रंथ। पुष्प ग्रंथ के बाद में इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे इसका एक फूला हुआ भाग होगा, एक
इस तरह से। ये क्या होगा? पुष्पाशन। पुष्पाशन के ऊपर हम बना देंगे यहाँ पे, ये बना दिया था अंडाशय। अंडाशय के बाद में हमने बना दी एक नलिका। ये जो नलिका बनी है ये वर्तिका है, और इसके बाद में इस तरह से ये बना दी हमने वर्तिका को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके नाम हम बेटा बाद में रखेंगे, क्योंकि चित्र बनाने में हमें परेशानी होगी, तो नाम अभी मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। देखें पहले चित्र बना लेते हैं एक बार, उसके बाद में ये इसकी हम पंपड़ियाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने पंपड़ी बना दी इसकी, और इधर बना देते हैं हम इसके बाय इस तरह से, ठीक है। अब आप समझिए इसके नाम और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये इस तरह से हमने इसके किंगफिशर बना दिए। मैं चार बना रहा हूँ, लेकिन अलग अलग पौधों में अलग अलग हो सकते हैं। देखो अब हम इसका नामकरण करेंगे, तो नामकरण करते हैं। सबसे पहले हमने पुष्प ग्रंथ का तरी रखा है, पुष्प ग्रंथ के बाद में इसको हमने क्या नाम दिया था, पुष्पासन। अब चालू हो गए कौन, चक्र। चक्र में सबसे बाहर वाला चक्र कौन सा था, बाह्यदल पुंज, लेकिन ये अकेला है तो इसको क्या कहेंगे, बाह्यदल। बाह्यदल सेपल या पेटल, सेपल। इसके बाद में सब आगे आए, ये रंगीन पंखुड़ियां हैं, इन रंगीन पंखुड़ियों को क्या कहते हैं हम, दल पुंज। दल है, इसको हम पेटल कह सकते हैं, पूरा क्या है, दल पुंज है, या दलपुंज भी कह सकते हैं इसको हम, कोरोला। इसके बाद में आगे आते हैं साहब, पहले इनकी बात कर लेते हैं। देखो ये तो है परागकोष, क्या चीज है, परागकोष। ये है कुतंतु, और परागकोष की इन दोनों के बीच में होती है कनेक्टिव टिश्यू, योजी, और पूरा मिलाकर के क्या हो गया, पुंकेसर, उमंग हो गया। इसके बाद में अगला ये बचा, इसके अंदर देखो सबसे बाहर वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र के नीचे वर्तिका, वर्तिका से सबसे नीचे मोटा फूला हुआ भाग अंडाशय, और तीनों को मिलाकर के क्या हो गया, स्त्री केसर। ये मादा जननांग है, ये नर जननांग है, इतनी बात क्लियर। देखो और कोई चीज रह गई है, सारी चीजें हो चुकी हैं इसके अंदर। एक बार दोबारा देखें पूरे फूल को, हम एक बार रिवाइज करते हैं। पुष्प ग्रंथ एक ग्रंथ नुमा संरचना होती है, पुष्पाशन पुष्प ग्रंथ का फूला हुआ भाग होता है जिस पर फूल स्थित होता है। उसके बाद में फूल के चार चक्र आते हैं, पहला चक्र है बाह्यदल पुंज, जिसका एक सदस्य क्या कहलाता है, बाह्यदल कहलाता है, ये हरे रंग के होते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं। दूसरा है दलपुंज, ये रंगीन रंग के होते हैं, कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, एक सदस्य इसका दल कहलाता है। फिर आता है पुंकेसर, इसके तीन भाग होते हैं, परागकोष, कुतंतु और योजी, ये नर भाग होता है पौधे का। फिर आता है स्त्री केसर, इसके तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिका ऊपर का भाग होता है, वर्तिका बीच वाला नलिकानुमा, और अंडाशय फूला हुआ भाग होता है, और इन तीनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। इसी अंडाशय के बीचों बीच में एक संरचना होती है, अगर हम बात करें बेटा गुड़हल के फूल की, तो गुड़हल के फूल में इस तरह से एक संरचना बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसका बीजांड कहते हैं। बीजांड बनते हैं इसके अंदर, जिनके अंदर अंड कोशिका परिपक्व निषेचित हो जाती है, उनके अंदर एक बीजांड बन जाता है। तो यहाँ पर आपका एक चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, इस चीज़ को हम एक बार फास्ट रिवाइज कर लेते हैं थोड़ी सी देर में। देखो बेटा, हमने चैप्टर चालू किया था आवृतबीजी पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। आवृतबीजी पौधों में जनन जब हम कर रहे थे, तो सबसे पहले हमने इसका मतलब आपके लिए बताया था कि आवृतबीजी होते हैं ढके हुए बीज वाले, कवर्ड सीड फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फूलों वाले पौधे होते हैं। इनके अंदर हमने जनन पढ़ा, तो जनन दो तरह का था, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन।
सबसे पहले हमने बात की थी अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन में क्या पढ़ा था, अलैंगिक जनन की परिभाषा देखी थी हमने कि बिना अर्भसूत्रण और बिना युग्मक संलयन के जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन होता है। इसके अंदर अनिषेक बीजता पढ़ी, अनिषेक बीजता के एग्जाम्पल आप याद रखें बेटा, अनिषेक बीजता के अंदर आपका केला अंगूर ये आ सकते हैं। इसके बाद में हमने कायिक जनन पढ़ा, कायिक जनन में मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि कायिक जनन में भाग लेने वाला पौधे का अंग क्या कहलाता है, प्रवर्ध कहलाता है। एक नंबर में पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि प्रवर्ध या प्रोकेंबियम किसे कहते हैं, पौधे के पौधे में कायिक जनन में भाग लेने वाला क्या कहलाता है, प्रवर्ध कहलाता है। इसके बाद में हमने दो प्रकार पढ़े थे कायिक जनन के, पहला प्राकृतिक और दूसरा हमने पढ़ा था कृत्रिम। प्राकृतिक की कुछ विधियां पढ़ी थी जिनमें तने पत्ती जड़ द्वारा हमने नए पौधे का निर्माण देखा था। कृत्रिम के अंदर हमने कुछ और विधियां पढ़ी थी जिनमें कर्तन दाव लगाना और रोपण की हमने बात की थी। प्रत्येक के एग्जाम्पल भी हमने देखे थे और उसके बाद में हमने लास्ट में इस चैप्टर में पढ़ा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंदर हमने पढ़ी है फूल की संरचना, और फूल की संरचना के बाद में हम अगला चैप्टर चालू करेंगे आपके अगले पार्ट में, पार्ट फोर के अंदर, या फिर अगले चैप्टर का पार्ट वन बनाएंगे हम। तब तक के लिए बेटा बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई अपनी चालू रखिए। एक और बात का आप ध्यान रखें, जो चीज़ आपके लिए एक दिन में कराई जाती है कोशिश करें आप उसको उसी दिन में कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप इसको अगले दिन के लिए टालोगे तो आप पर बोझ बढ़ता चला जाएगा, आपका काम बढ़ जाएगा, तो उसको करना कठिन होगा। इसीलिए आप जिस दिन आपको कराया जा रहा है उसी दिन करने की कोशिश करें। धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।